The further are the competencies and outcomes for mathematics. so we have discussed in the curriculum of 2017 uh, about the competencies of mathematics. Uh, the first competencies of mathematics is the children will develop basic logical, critical, creative and problem-solving skills by demonstrating an understanding of the different attributes of objects such as color, size, weight and texture. and match sequence and classify objects based on one or two attributes. So this competency is very important because they can know how the digits are, what are their sequences, how they could be incorporated in a real life situations. Unka apna vazan kya hai, unki height kya hai. और फिर ये कि चीज़ों की गिनती करना उनको गिन के एक जगह पे रखना फिर उसका sequence या उसका order उनको पता होना ज़्यादा क्या है कम क्या है कितने मिलके कितने बनते हैं ये मैथ की जो कम्पिटेंसीज हैं जो सो जो इनका ये इसेंशियल uh, कॉन्सेप्ट है ये बच्चों को सिखाना जरूरी है फिर हम दूसरी कम्पिटेंसीज में देखते हैं कि चिल्ड्रेन डिवेलप्टी काउंटिंग अप अपन हंड्रेड एंड सिंपल नंबर ऑपरेशन जीरो टू नाइन अब ये ये हैं कि सिर्फ वो सिर्फ गिनना ही नहीं जानते बल्कि जो उनके बेसिक ऑपरेशन हैं जैसे एडिशन है जैसे सब्ट्रैक्शन है या हल्की फुल्की मल्टीप्लिकेशन है लेकिन हम सिर्फ उनको अभी ज़ीरो से नाइन तक सिखा रहे हैं और ये सारी चीज़ें उन्होंने एकेडमिकली तो सीखनी ही हैं लेकिन इसके लिए बहुत सा ऐसा मटेरियल वो यूज़ कर सकते हैं जो क्लास के अंदर उनकी मदद करे कि वो वाकई ओरिजिनल जो चीज़ें हैं असली जो चीज़ें हैं उनको इनके इकट्ठा रखें फिर उनको अलग करें फिर वहीं से वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आइडियाज़ जो हैं वो लें अच्छा मैथमेटिक्स में तीसरी जो हमारी खास कम्पिटेंसी है वो ये है कि चिल्ड्रन विल रेकनाइज बेसिक जियोमेट्रिकल शेप एंड द पोजिशन ऑफ ऑबजेक्ट इन रिलेशन टू ईच अदर अब ये नहीं कि सिर्फ उनको मुख्तफ ज्योमेट्रिकल शेप्स हमने बतानी अच्छा ये सर्कल है ये ट्राइंगल है ये रेक्टेंगल है, है बल्कि ये कि दुनिया के अंदर बहुत सी जो चीज़ें आपको अपने इर्ग गिर्द नजर आती हैं वो किसी ना किसी शेप से ताल्लुक़ रखती हैं ठीक है थीके? जैसे हम बुक दिखा के बच्चे को कहते हैं कि इसकी क्या शक्ल है ठीक है और बॉल जो है वो क्या है फिर आप उनको जो ब्लॉक्स होते हैं वो दिखाते हैं कि जी भाई ये क्यूबॉइड है या क्यूब्स हैं तो हम उनको शक्लों का जो तासर है वो दुनिया के अंदर जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ रिलेट करके उनको देते हैं फिर ये कि ये झकलें जब मुख्तलि तरह की होंगी तो हम इनको किस तरह से आपस में पोजीशन करेंगे कौन सी चीज़ किसके ऊपर स्टैक की जा सकती है तो इस सिलसिले में उनको मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स इस्तेमाल करने का बताना होता है फिर उनको मुख्तलिफ तरह की शक्लें वो उनको किस तरह से आपस में अरेंज करें उससे कुछ शक्लें बनाएं कुछ ट्रेन या कुछ इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाएं, ताकि वो देखें कि ये शक्लें आपस में कैसे अरेंज होती हैं फिर ये कि चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैयर अब फिर ये कि उनको मापना भी आए शुरू में हमने उनको डिजिट सिखाए ठीक है अब हम उनको ये शक्लें भी बता रहे हैं लेकिन बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है कहाँ पे उनको प्लेस करना है और किस तरह से उनकी आपस में रिलेशनशिप डेवलप करना है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का एक बहुत अहम जो है वो स्टेप है तो हम चाहते हैं कि वो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ना सिर्फ ये कि वो एकेडमिकली सीख जाएं बल्कि इन कॉन्सेप्ट को वो रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से भी जाँचें जैसे बच्चों को नेचर में ले जा सकता है उनको ट्री गिनने और बताने में कि कौन सा ट्री सबसे बड़ा है कौन सा दरमेना है कौन सा सबसे छोटा है फिर ये कि पत्तों के साइज़ वो देख सकते हैं नेचर के अंदर उनके साइजेस को देखना उनको मापना कि भाई कौन से पत्ते की कितनी लंबाई है और जैसे उनके इर्द गिर्देयर कौन कौन से हैं स्फेयर्स की शक्लें कौन सी हैं बल्ब की क्या शक्ल है अंडे की क्या शक्ल है आपकी किताब की क्या शक्ल है दीवार की क्या शक्ल है खिड़की कैसी है तो वो सारी पहचान उनको जब आ जाएगी तो फिर उनके लिए शक्लों को मैनेज करना और उनको आइंदा जिंदगी के लिए इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा